उन लोग को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, स्कूल जाने के लिए बहुत कष्ट होता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर है ग्रामीणों की दुर्दशा को लेकर, जहां आजादी के 75 साल बाद भी प्रदेश के कई जिलों में ऐसी दुर्दशा है कि आज भी लोगों को पैदल चलने लायक सड़क नसीब नहीं हुई है। हम आजादी का अमृत महोत्सव पर मना रहे हैं, लेकिन आजादी के जश्न के बीच आज भी मासूम बच्चे विद्यालय तक पहुँचने के लिए सड़क और वाहनों के लिए मोहताज है। ऐसा नहीं है कि शासन के द्वारा पैसा नहीं खर्च किया गया, पैसा तो खर्च किया गया, लेकिन उक्त पैसा जवाबदारों की तिजोरी में चला गया, जिसके चलते आज भी यह दुर्दशा है। दरअसल मामला गंगेव ब्लॉक के अगडाल ग्राम पंचायत का है, जहां आज भी अमलीहा ठगुरान के अगडाल मार्ग की हालत बदतर है, या यह कहें कि सड़क ही नहीं है। मासूम बच्चे घुटने भर कीचड़ में विद्यालय जाने के लिए जहां विवश हैं, वहीं मरीजों को समय पर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए साधन भी नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि इस सड़क से लगभग 400 परिवारों का आना जाना है। आइए आपको दिखाते हैं रीवा जिले के गंगेव ब्लॉक की यह सड़क, जिसे देखकर आप अनुमान लगा लेंगे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के लिए जाने जाने वाला इस जनपद पंचायत के ग्रामीण इलाकों का क्या हाल है और यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम मृगेंद्र सिंह, ग्राम अमिलिया, पोस्ट अमिलिया, थानागढ़, तहसील मनगमा, डिस्ट्रिक्ट रीवा से, जो कि मैं सड़क निर्माण के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं कई बार अनुरोध किया अपने गांव के समस्याओं को समाधान के लिए, कई बार सरकार से निवेदन किया, हर जगह प्रयास किया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण हमारे गांव में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे गांव की आबादी है समथिंग 400 लोग निवास करते हैं, लेकिन उनके बच्चे बूढ़े बच्चे जो है स्कूल नहीं पहुंच पाते टाइम से, और हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको डॉक्टर को नहीं दिखा पाते, जिसके कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये रोड जो जाती है ये हमारे अमिलिया ठकुरान टोला के लिए जाती है, लेकिन ये हाईवे से जुड़ी नहीं हुई है। मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि लोग इसको शेयर करें ताकि सरकार तक यह वीडियो पहुँच सके और जल्द से जल्द हमारी सहायता हो पाए। तो मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहूँगा, ये रोड दिखाना चाहूँगा, जैसे जिन मुश्किलों का सामना करके जाना पड़ता है बच्चों को। तो आप देख सकते हैं ये हमारे गांव की रोड है, इसमें 20 साल से यह रोड चल रही है, समथिंग 20 साल से। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर की लीक बनी हुई है, जो कि ये 20 साल से चल रही है, लेकिन झूर के समय तो ठीक है, लोग किसी तरह निकल जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बरसात के टाइम में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं यही चाहूँगा कि सरकार इस समस्या का समाधान करे, और मैं आपको ये पूरी रास्ता दिखाना चाहूँगा। यहाँ से 400 मीटर की दूरी तक है जो कि डिस्टेंस है, जो कि ये जुड़ी नहीं हुई है, जिसके कारण ना तो यहाँ कोई गाड़ी आ पाती है, ना तो साइकिल चल पाती है। आप देख सकते हैं बच्चे अपने जूता चप्पल है वो अपने हाथ में लिए हुए हैं, और इन मुश्किलों का सामना करके लोग स्कूल पहुंच पाते हैं। मैं यहाँ के सरपंच महोदय और जो भी है तहसीलदार, मतलब हर जगह ये सूचना पहुंच चुकी है, मैं शिकायत भी दर्ज है 181 में, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक। मेरा निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करें। आप वीडियो देख सकते हैं, ये रोड की हालात है। मैं सरकार से हमारा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि इस समस्या का हल करें। ये रोड है।
बच्चों आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से निवेदन कर सकते हैं आप लोग, जो भी परेशानियां हो रही हैं आप लोग को, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सड़क निर्माण के लिए सरकार सहायता करे। इन बच्चों से मैं खुद पूछूंगा, ये खुद बताएंगे आपको। आपका नाम? मेरा नाम सुतांशु सिंह। सुतांशु सिंह जी, सुधांशु सिंह नाम है। ये अमिलिया ठकुरान टोला के बच्चे हैं जो कि ये स्कूल से ही लौट के आए हैं। हम बोले कि चलो वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोग को ये सरकार को ये प्रूफ हो जाए कि हाँ रियल में नहीं है रोड आने जाने के लिए। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बोलो आप लोग को जो दिक्कत हो। हम लोग को निकलने के लिए रास्ता नहीं है, स्कूल जाने के लिए बहुत बहुत कष्ट होता है, काफी से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, देखिए ये सब साइकिल लेके जाते हैं लेकिन यहाँ चला नहीं पाते हैं। ये कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं निकल सकती, सिर्फ पैदल ही कैसे करके बच्चे पार होते हैं, खासकर इस बरसात के मौसम में। तो मैं आपको यहाँ से ये पूरी रोड दिखाना चाहूँगा जो कि ये आगे चल के पटलान टोला है। ये अमिलिया दो भागों में बटा हुआ है, एक पटलान टोला एक ठकुरान टोला, जिसके कारण जिसका ये डिस्टेंस है 400-500 मीटर की दूरी पे है, 400-500 मीटर की दूरी है। इस इतनी रोड ना जुड़ने के कारण